खबर ग्वालियर से, जहां पर फिर लव जिहाद का एक संगीन मामला सामने आया, जहां पर विशेष समुदाय के एक युवक ने न सिर्फ पीड़ित युवती का 3 साल तक शोषण किया बल्कि उसके साथ मारपीट की, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और गौमांस भी उसे खिलाया गया। शिकायत करने पर बहुड़ापुर थाना पे युवती पहुंची और पुलिस को उसने बताया कि 3 साल पहले दरअसल पड़ोस में रहने वाले विशेष समुदाय का युवक उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया था और लिव इन रिलेशनशिप में रखकर उसका शोषण किया गया। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट की जाती थी, जबरदस्ती उसे गौमांस खिलाया जाता था। इतना ही नहीं, आरोपी की बीवी और बहन ने भी उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया। वहीं धर्म परिवर्तन के संबंध में जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तू अगर हमारी लड़की की तरफ बयान नहीं देगी ना तो है ना, मैंने तेरे घर वालों को मार डालेंगे। और मुझे लेके गया था तब मुझसे ये बोली थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और है ना तेरे पापा और तेरे भाइयों का नाम लिख दूंगा, उनको फंसवा जाऊंगा। ये 376 का है। इसके अलावा उसके जो परिवार वाले हैं आरोपी के, उसने उसके साथ मारपीट की थी तो उसकी FIR हुई है। साथ ही इसमें धर्म परिवर्तन के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है।